पारिवारिक कलह को नहीं करुण परिणति मदुआ पुओ साजिला बापर हत्याकारी अन्यपटे माँ एबे भी निखोज रही तेबे घर पछपट गातरु बापा मृतदेह को उद्धार करिछि पुलिस। एपरी एक निंदनीय हत्याकांड घटी बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना अंतर्गत गरसंग गाँव में जहाँकि चारिदिन धरी बापा प्रभाकर बेहरा और माँ चंपा बेहरा निखोज थिबा नै झियो ममता मल्लिक सिमुलिया थाना रे अभियोग करिथिले एवं भाई रमेश ही निज बापा माँ को मारिदे पति देइथिबा से अभियोग करिथिले। तेणु ममतांको अभियोग क्रमे सिमुलिया पुलिस तदंत आरंभ करिबा सहित रमेशंको घर पछपट एक बिलरे पता जाइथिबा तांको बापांको मृतदेह को पुलिस उद्धार करिछि। तबे एने पुलिस विशेष सूत्ररु खबर पाइबा परे सेठारे खैरा अतिरिक्त तहसीलदार और बालेश्वर साइंटिफिक टीम सेठारे पहुंची सही स्थान को खोलिबा परे सेठारु प्रभाकरंको मृतदेह को उद्धार करा जाइछि किंतु मां चंपा बेहरा एबे भी निखोज थिबा सूचना रहिछि। आज आम सिमुलिया थाना अंतर्गत गड़संग गाँव में गोटे घटना रिपोर्ट होता जो थे कि गोटे वृद्ध हजबैंड वाइफ मिसिंग अच्छा बोली किए मारिदे इनफर्मेसन आसाला बेस्ट इनफर्मेसन आम सिमुलिया थाना टीम अलोंग विथ डीएफएसएल टीम और पुलिस टीम आम जो के नाइन टीम रोचे सहित स्पॉट को पहुँचे एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रेजेन्स बॉडी एक्जिम कर प्रोसेस आरंभ करते काफ़ी समय फलाफली कला वृद्ध व्यक्ति अच्छा डेड बॉडी आम रिकवर करूँ फर्दर से एंटायर एरिया स्वम्पी एरिया अच्छी तो आम टे डॉग स्क्वाड यूज करके तरह फर्दर डिटेक्शन करुच्छ आसंता का जेसीबी लगे कि एरिया खोल पॉसिबिलिटी ऑफ चिकन बॉडी कैन नॉट बी रूल्ड आउट नाउ एज ऑफ नाउ जड़े व्यक्ति मृत्यु होती मेन अक्यूज जी अच्छी आइडेंटिफाई कर दिखाई तापाईं गोटे इंटरनेट बेस्ड साइबर टीम गोटे आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट रेड करा पे गोटे टीम कंस्ट्रक्ट करा जाय छी और खूब शीघ्र अक्यूज के अपेक्षा करा जाय छी। तो झियो जो कहले बापा मा उभय गे छी जे मा कर किछ पता मिलला नै छै एबे जते जेंते कि मु कहली हमें श्योर अछु गोटे ही बॉडी मिल छै तो हमें अज्यूम कर छु जान रही देते छी बट जेसे भी यूज करके हमें काली अधिका खोलाखोली करियौ फर्दर इनफॉरमेशन मिलले अकॉर्डिंगली एक्शन कारण किछ जाना कोन के गन किछ ना पुछ नै एबे जेहेतु वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अछि तो किछ कहबा सेतरे उचित रहबे नै बट आम मेन अक्यूज को आइडेंटिफाई करछु एंड खूब शीघ्र अरेस्ट सन्देह बालेश्वर जिला सररु सुमंत दासंकर रिपोर्ट कोणार्क लाइव।